भोजपुरी के तीन स्टार कर रहे हैं धमाल। नमस्कार, मैं हूं शशिप्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। आखिर कौन है ये भोजपुरी के तीन स्टार, हम आपको बताएंगे अपने इस कार्यक्रम के तहत। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाएंगे कि आखिर ये तीनों स्टार कैसे बचा रहे हैं बवाल। वैसे सावन के शुरुआत होने के साथ ही बाबा भोलेनाथ को मनाने में सभी स्टार जुट गए हैं, चाहे वो पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव या जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं रितेश पांडे। तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया और इस दरमियान हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे ये थ्री स्टार मिलकर मचा रहे हैं बवाल। देखिए ये रिपोर्ट। सावन के महीने की बात हो और कावर की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सावन के मौसम में जहां बारिश की रिमझिम बूंदों से लोग राहत महसूस करने लगते हैं, वहीं अब इसके साथ कावर और बोल बम गाने भी फैंस के बीच धमाल मचा रहे हैं। ऐसे में भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और रितेश पांडे के कावर गीतों को दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। खेसारी लाल के कई कावर गीत जैसे भोला जी खुश हो जाले भांग गाजा से, बोल बम से चुड़िया ले ले आईहा और सैया के हमरा कावर के दुकान को यूट्यूब पर शिव भक्त काफी पसंद कर रहे हैं। हजारों लाखों और अब यूं कह ले कि करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं। खेसारी लाल के साथ पवन सिंह का भोजपुरी कावर गीत हरियर हरियर चुड़िया का वीडियो यूट्यूब पर दर्शकों के बीच काफी सुना जा रहा है। 3 मिनट 27 सेकंड के इस गाने को 4 दिन में यूट्यूब पर 40 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसके अलावा रितेश पांडे का नया कांवर गीत बोले कांवरिया बम बम रे का वीडियो दर्शकों के बीच धूम मचा रहा है। इस गाने को 5 दिन में 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। रितेश पांडे ने अपने गाने का पोस्टर शेयर कर इस बात की खुशी जाहिर की है। YouTube पर खेसारी लाल, पवन सिंह और रितेश पांडे के कांवर गीतों की जिस तरीके से धूम मची है, मत पूछिए, बवाल हो गया है। खेसारी और भोजपुरी के सिंगर की हम बात कर रहे हैं तब पवन सिंह का नाम भी आता है और रितेश पांडे का भी, और इनमें कावर गीत तो गजब ही है, दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। तीनों स्टार्स के कावर गानों को यूट्यूब पर लाखों बार सुना गया है, लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। खेसारी लाल के साथ पवन सिंह का भोजपुरी कावर गीत जिस तरीके से लोगों के बीच पसंद किया गया है, ये काबिले तारीफ है। इसके अलावा रितेश पांडे का नया कावर गीत बोले कांवरिया बम बम रे का वीडियो दर्शकों के बीच धूम मचा चुका है। इस गाने को 5 दिन में 50 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। रितेश पांडे ने अपने गाने का पोस्टर शेयर कर इस बात की खुशी जाहिर की है। बता दें कि सावन का महीना भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस महीने में भक्त भगवान शिव की श्रद्धा भक्ति करते हैं, वहीं सुबह शाम भगवान शिव के भजन सुनते और गाते हैं। इतना ही नहीं, सावन में भक्त भगवान शिव को खुश करने के लिए कांवड़ लेकर उनके दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। जो लोग कांवड़ यात्रा पर नहीं जा पाते, वो लोग अपने घरों में भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर करें नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया के साथ शिव की आराधना। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि कैसे रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव के साथ पावर मैन पवन सिंह इन गानों पर मचा रहे हैं धमाल। वैसे बाबा भोले को मनाने से मिलता है बहुत सारा आशीर्वाद, तो क्या भोले बाबा का आशीर्वाद इन पर पड़ेगा? क्या खेसारी लाल यादव और पवन सिंह बनेंगे सुपरस्टार? सुपरस्टार तो है ही, लेकिन क्या और सारे भी स्टार इनके साथ जुड़ेंगे, इसका करना होगा इंतजार, क्योंकि अभी पूरा सावन है बाकी और जैसे ही सावन खत्म होगा उन तमाम जो गाने हैं उनके रिव्यू हम आपके समक्ष रखेंगे, आपके जो कमेंट्स आएंगे वो बताएंगे और इससे पता लगेगा कि किसने मारी है बाजी। हमने तीन लोगों की बात की है और तीनों अपनी अपनी जगह पर है कामयाब, चाहे वो रितेश पांडे हो या फिर पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, सभी ने अपने जीवन में एक बेहतर मुकाम को हासिल किया है। तो चलिए अपने जल्दी से कमेंट्स दीजिए और अपने सुझाव दीजिए। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।